हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज है 7 अक्टूबर 2018 और मैं 6 अक्टूबर 2018 से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं करेंट अफेयर के, वह मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है, विश्व वन प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन प्राणी दिवस जो है वो मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को विश्व वन प्राणी दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और ये 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। और ये 9 अक्टूबर जो है विश्व डॉग दिवस मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? जापान, अमेरिका, रूस, स्पेन। तो ये स्पेन में इन्हें नियुक्त किया गया है, भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लीजिए, जैसे कि जापान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो है, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का जो नंबर आता है 62वें नंबर पे, और जनसंख्या की दृष्टि से जापान 17वें नंबर पे है, और जापान की जो मुद्रा है वो एन है, और जापान के इस समय जो प्रधानमंत्री है वो शिंजो एबे हैं। सेकंड, अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उपराष्ट्रपति माइक पेंस है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा स्थान है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी ये तीसरा स्थान है। वहाँ की अमेरिका की मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। अगला है रूस। देखिए रूस की रसिया की राजधानी है मास्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान है, जनसंख्या में 7वें नंबर पर आता है, और मुद्रा है रूबल। अब स्पेन की बात करते हैं, तो स्पेन की जो राजधानी है मद्रिद है, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है मेरियानो राहुई है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये 29 स्थान पे आता है, और क्षेत्रफल के दृष्टि 50वां नंबर है, और जो यहाँ की मुद्रा है यूरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज निक कैम्पटन ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? और ये जो हैं ये इंग्लैंड के हैं, इन्होंने इंग्लैंड ये पूर्व बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी संन्यास लिया है। तो इंग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है थेरेसा, और यहाँ की मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है पूरा। और जो अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर का स्थान है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो 53 की जनसंख्या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट है 6वें नंबर। मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला पॉइंट है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरी है, और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो है मैत्रीपाल सिरिसेना, और अगला इसके यहाँ का जो प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे, और यहाँ की जो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपीज है। अगला साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल समाकोशा हैं, उपराष्ट्रपति है गालेमा गोटलांदे, और मुद्रा है रेड। देखिए जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है यहाँ पर 3 अलग अलग राजधानियाँ बनाई गई, जैसे न्यायिक राजधानी है, विधायी राजधानी है, कार्यपालिका है। तो जो मैं बताया हूँ प्रिटोरिया है कार्यपालिका राजधानी है, ब्लोम फाउंटेन है ये न्यायिक राजधानी, और केप टाउन जो है विधायी राजधानी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में किस कंपनी ने गूगल को पीछे छोड़ के शीर्ष ब्रांड बनी है? तो ये कंपनी है एप्पल। एप्पल ने 2018 में गूगल को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट स्थान पर बन गई है। तो देखिए एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। इसके संस्थापक है स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन एंड स्टीव वोसनियाक, ये 3 लोग थे जिन्होंने इस कंपनी को संस्थापित किया था। अगला गूगल है। देखिए गूगल की जो स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में हुई थी। इसके फाउंडर जो है
सरगेई बिन लैरी है, और सीईओ जो है इस समय है सुंदर पिचई ही है, गूगल के सीईओ इस समय सुंदर पिचई ही है। फेसबुक की बात करेंगे, फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग फाउंडर हैं, और ये जो बनी थी 4 फरवरी 2004 में बनी थी। अगला है ट्विटर, ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में, और फाउंडर है जैक डॉर्सी, और इस समय सीईओ भी वही है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, कितने आईओआर देशों ने नवीनीकरणीय ऊर्जा पर दिल्ली घोषणा को अपनाया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 21 देशों ने, देखो 21 देशों ने इस घोषणा को अपनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में युवा ओलंपिक खेल 2018 किस देश में शुरू हो रहे हैं? तो ये जो शुरू हो रहे हैं ये अर्जेंटीना में शुरू हो रहे हैं। देखिए तो अर्जेंटीना के बारे में आपको जान लीजिए, देखिए अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स, और इस समय जो राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीनिया के वह मेरिसियो मैक्री। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना जो है 8वें स्थान पे आ रहा है, और यहाँ की जो मुद्रा है पेशो है, मुद्रा है पेशो। अगला ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन हैं। देखिए मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला है जापान, देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है, और प्रधानमंत्री शिंजो एबे हैं, और यहाँ की मुद्रा एन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस समझौता SIRIOU समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये समझौता जो हुआ है भारत और रूस के बीच में हुआ है, इंडिया और रूस के बीच में हुआ है। तो ये आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, और तो बहुत सारे हैं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अदर्स में।